नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि होली उत्सव के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, दिल्ली में हुई दंगों की वजह से हुए नुकसान से दिल बहुत आहत है, इसलिए होली नहीं मनाएंगे, कहा विधायक राजेंद्र राणा ने। हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने की। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की समस्या को लेकर सरकार से मांग की गई कि जल्द पेंशन समस्या को किया जाए बहाल। गुमावी शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। आईपीएस दृष्टि पांडे ने की मामले की पुष्टि। युवक के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में एचपीसीए ने जिला पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से की बैठक। बैठक की अध्यक्षता डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की।